इट इज हर ओन टूज गिवेन ऑन न्यूमिनियस ओकेजन एक बार ही नहीं कई बार उन्होंने कई इंटरव्यूज में चाहे वो करण जौहर के साथ दिया चाहे वो कॉफी विद करण में दिया उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शी हैज बीन डूइंग दैट शी हैज बीन कंज्यूमिंग दैट मीट बट एनी वे मैंने जैसा कहा कि ये मैंने पहले भी कहा था इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं अपनी बातों को ही आ, उन पर पलट जा रही हैं तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ उसको तो उसका जवाब तो जयराम जी को देना चाहिए जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं उनकी सहयोगी है उनको उनकी कैंडिडेट है उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे उन चीज को वापस कॉन्ट्रेडिक्ट करती हैं और कहती हैं कि जो बातें उन्होंने पूर्व में कही है आगे जाकर कहेंगी कि मैंने तो ये बात कही नहीं दे, देखिए ऐसा है हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं हिमाचल के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इट इज हर ओन ट्वीट्स इट इज़ अर ओन इंटरव्यूज विच ही हैज़ गिवन ऑन न्यूमिनियस ओकेजन्स एक बारी नहीं कई बार उन्होंने कई इंटरव्यूज में चाहे वो करण जौहर के साथ दिया चाहे वो कॉफी विद करण में दिया या कई और ऐसे जो प्रोग्राम्स वहां पे होते हैं उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शी हैज़ बीन डूइंग दैट शी हैज़ बीन कंज्यूमिंग दैट मीट बट एनी मैंने जैसा कहा कि ये मैंने पहले भी कहा था इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है ये हमारी संस्कृति हमारे जो धार्मिक आस्थाएं हैं प्रदेश की हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का भूमि है उस तरीके से लोगों को ठेस पहुंचेगी मगर जहां तक राजनीति है वो उनका अपना वो है आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं अपनी बातों को ही आ, उन पर पलट जा रही हैं तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं उसको तो उसका जवाब तो जयराम जी को देना चाहिए जो मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि हम अपनी बात से पलटते हैं मैं मैंने तो ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा आई वॉज द ओनली इंडिविजुअल ओनली लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वॉज गिवन इन्विटेशन टू विजिट राम टेम्पल एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल स्पेक्यूलेशंस आई वॉज द ओनली पर्सन टू विजिट राम टेम्पल मैं गया और मैंने अपनी बात पर मैं कायम रहा तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं उनकी सहयोगी है उनको उनकी कैंडिडेट है उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि एक बारी बॉम्बे में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल आकर उनकी जो भाषा है और जो उनकी शैली है वो एकदम जो है वो बदल रही है She, uh, देखिए हम इसको नहीं उठाएंगे मगर निश्चित तौर से क्योंकि कुछ चीजें जो उन्होंने कही है उससे उन्होंने बहुत लोगों को वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनको उन्होंने आहत पहुंचाया है इसमें कोई दो नहीं है उन्होंने एक समय में आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु है केवल देश के नहीं विश्व के हिज होलीनेस दलाई लामा जी उनके बारे में क्या टिप्पणियां करी है अब मैं तो उस पर कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा मगर जो उनके फॉलोअर्स है जो उनके आ, जो जो उनको भगवान मानते हैं उनके मन पे क्या गुजरी होगी वो तो वही जानते हैं तो ये ये चीज़ें ऐसी चीज़ें तो निश्चित तौर से अब जब वो चुनावी मैदान में उतर ही गई हैं तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक है कि उठेगी और इसका जवाब उनको देना होगा अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे उन चीज को वापस कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और कहती हैं कि जो बातें उन्होंने पूर्व में कही है आगे जाकर कहेंगी कि मैंने तो ये बात कही नहीं तो दैट इज समथिंग दैट विल बी सीन इन द टाइम्स टू कम। आई डोंट नो आई डों नॉट स्पीक बिकॉज ऑल द नेरेटिव सेट बाई मी हिमाचल की जनता है पढ़ी लिखी है और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है जैसा मैंने कहा कि वेरियस सेक्शंस है हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट भी है हिमाचल प्रदेश में हिंदू भी है हिमाचल प्रदेश में अपर सेगमेंट के सोसाइटी के लोग भी है लोअर सेगमेंट सोसाइटी के लोग भी है बट अल्टीमेटली ऑल पीपल आर एजुकेटेड इसलिए वो हर चीज़ को जानते हैं मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश की जनता खुद भली जानती है क्या है और क्या नहीं है